हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब पेस्ट। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग स्ट्रेटेजी के ऊपर एक सीरीज़ बना रहे हैं, ठीक है। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हमारा जो फर्स्ट वीडियो है जिसका टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स, तो उसका हम लोग आज वीडियो लेके आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूपीएससी, एसएससी, एसबीआई, आरबीआई, रेलवे, आईबीपीएस, बैंक एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो तो उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर के बारे में पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्यों ना हम इसे याद करके रख लें, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में ऐसा 47 लिस्ट लाए हैं इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देयर हेडक्वार्टर्स का, ठीक है। तो अगर आपको ये आर्टिकल, इस वीडियो का आर्टिकल अगर पढ़ना हो, इसका आर्टिकल पढ़ना हो, इसका पीडीएफ डाउनलोड करना हो, तो आप www.assamlive.com में जाके आर्टिकल पढ़ सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, हमारे 40 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के टॉपिक सीरीज जो हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। सो जो हमारा फर्स्ट है वो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में, ठीक है। फिर यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड का न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जिनेवा में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस जिनेवा में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जिनेवा में, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन पेरिस में, यूएन वुमेन न्यूयॉर्क में, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट पेरिस में, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वेना में, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वेना में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज वेना, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वाशिंगटन डीसी, वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन डीसी, एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन, इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन लंदन, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन लंदन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हॉग, यूनियन पोस्टल, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन बर्नी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ब्रुसेल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बर्लिन, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी अबू धाबी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन काठमांडू, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जकार्ता, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन सिंगापुर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन जिदा, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इबेनी मॉरिशियस, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन द हॉग द नेदरलैंड, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लॉसेन स्विट्जरलैंड, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ग्लैंड स्विट्जरलैंड, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ज्यूरिच स्विट्जरलैंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिनेवा स्विट्जरलैंड, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन मोनैको, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन मोनैको, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन फीफा ज्यूरिच और स्विट्जरलैंड, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दुबई यूएई, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन लॉसेन स्विट्जरलैंड, वर्ल्ड चेस फेडरेशन एथेंस ग्रीस, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ग्लेन स्विट्जरलैंड, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर लॉस एंजलिस यूएसए, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन म्यूनिच जर्मनी। तो ये 47 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड द हेडक्वार्टर्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कोई भी अपकमिंग एग्जाम जो होगा उनके लिए, ये याद करके रख के रखिए, ठीक है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा हम लोग का यूट्यूब चैनल जॉब पेस्ट को, और हम लोग का ये जो सीरीज़ है फॉलो करिएगा इंपॉर्टेंट 40 स्टैटिक जीके टॉपिक, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय बाय।